चियो फटाफट कर यार, तुम बहुत देर लगाते हो, किसकी ख्यालों में रहते हो? किसी एक के बाप रे। बर बर ठीक है ठीक है। ऋषिकेश कैसे गया कैसे गया? नहीं पलटा तेरी आउट ऑफ मटा था। आजकल चिकने चिकने दिख रहे हो, क्या राज है? गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों देखो, पेपर है आज भी, थोड़ा जल्दी उठे थे हम। यहाँ पे देखो शिवम भी पढ़ाई कर रहा है दोस्तों, और वहाँ पे तेजस भी पढ़ाई कर रहा है। तो दोस्तों मतलब पेपर आज का टफ है, तो पढ़ाई वगैरह तो हो चुकी है मेरी, इलेक्ट्रिकल सर्किट का है। शिवम पेपर किसका है? ओपी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और ये देखो दोस्त के साथ बात कर रहा है। तुम्हारा पेपर किसका है? ईएम का पेपर है, ईएम का पेपर। और देखो दोस्तों इसके फर्रे रेडी हो चुके हैं, मतलब रिडक्शन लाई है उसने। मतलब ये भी बहुत बड़ा टास्क रहता है, सुबह सुबह उठना, जेरोक्स के शॉप में जाना और रिडक्शन मार के लाना। क्या बोलते हैं, निकल जाएगा पेपर इससे किशोर? दो चैप्टर है भाई, दो चैप्टर क्यों नहीं निकलेगा? अरे बाप रे बाप। और तुम, तुम्हारे मन में विचार नहीं आता है कि ऐसे फर्रे लेके जाने का? अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। और ये देखो दोस्तों मतलब पूरी फट चुकी है पेपर के, इससे कैसे बैठ गए ये भी देख सकते हो। और पीछे आदित्य है दोस्तों, रेडी हो रहा है। दो बैग लगेगे ऐसा शिवम बोल रहा है। दो बैग मतलब देखो, दोस्त है या दुश्मन है? दोस्त के बैग लगेगा ऐसा बोल रहा है। तो चलो अभी फटाफट दोस्तों नहाना भी है और एक रिवीजन मार लेंगे क्विक वाली, और फटाफट रेडी होने के बाद मिलता हूँ दोस्तों, दिखाता ही हूँ आपको। तो फाइनली रेडी हो चुके हैं कॉलेज के लिए जाने के लिए। हाँ पेपर आज भी है दोस्तों, और काफी सही जाएगा क्योंकि पढ़ाई वगैरह हो चुकी है। क्या बोलते तेजस, कैसे जाएगा पेपर? एकदम अच्छा। और तुम्हारे सुंदरता का राज क्या है? तुम शिवम के बाजू में सोते हो इसीलिए तुम्हारी सुंदरता और बरकरार हो रही है क्या? क्या बोलते शिवम, फटाफट करे यार, तुम बहुत देर लगाते हो, किसके ख्यालों में रहते हो? किसी एक के बाप रे। तो चलो दोस्तों इनको रेडी होने देते फटाफट, और फटाक से नाश्ता करने जाएंगे और फिर उधर से कॉलेज। तो देखो फाइनली पेपर के पहले नाश्ता करने आ चुके हैं, और आज संकल्प जल्दी आया दोस्तों, कल काफी लेट आया था आपने देखा ही। तो हाँ चलो, प्रज्वल नहीं आया अभी तक, तो फटाफट नाश्ता वगैरह कर लेते हैं और उसका इंतजार करते हैं दोस्तों। तो चलो इनको भी करने देते हैं। तो दोस्तों देखो फाइनली पढ़ाई हो चुकी है, इनकी तो चल रही है पीछे, तो अभी बस जा रहे हैं दोस्तों पेपर के लिए। मतलब चिल है आज का, लेकिन पेपर जो क्वेश्चन किए वही आने चाहिए तो फिर अच्छा रहेगा। क्या बोलते ए, क्या बोलते स्पीचलेस हो गया आज की एग्जाम को लेके। दोस्तों सुबह 4 बजे उठा था प्रज्वल पढ़ाई करने के लिए, फिर भी लेट आया नाश्ता करने के लिए। मतलब आप समझ सकते हो पढ़ाई में कितना मग्न हो चुका था। और पीछे देखो दो है नमूने, और सामने का एक, मतलब उसका पेपर आज अच्छा जाने वाला है, बहुत अच्छा। तो चलो दोस्तों चलते हैं अभी फटाफट कॉलेज में। देखो दोस्तों शिवम यहाँ पे क्या कर रहा है कुछ समझ नहीं रहा, मतलब हाथ में फोन लेके या तो फिर कुछ सुन रहा है या फिर कुछ तो मोबाइल पकड़ो, मतलब पता नहीं चल पा रहा है और अलग ही दुनिया में। फाइनली रीच्ड कॉलेज दोस्तों, और सब दोस्त लोग है, गौरव भी मिल चुका है, यहाँ पे पार्थ वगैरह भी है, सब लोग है दोस्तों। मतलब पेपर से पहले हाँ अच्छी खासी रिवीजन भी हो जाती है, क्योंकि एक दूसरे को कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछते ही है, तो इससे काफी अच्छा हो जाता है। तो चलो अभी
पेपर अच्छा जाना चाहिए, बस भगवान से यही प्रार्थना है दोस्तों। तो देखते हैं अभी कैसा क्या जाएगा, और आदित्य भी है दोस्तों यहाँ पे, तो चलो अभी पेपर देने चलते हैं। दोस्तों पेपर डन, अभी क्लास में तो कुछ छूट नहीं किया क्योंकि पेपर था यार, समझ लो आप। और पेपर हमारा ओके ओके गया, यहाँ पे देखो सबके चेहरे से पता चल ही जाता है। आद्य कैसे गया पेपर? अच्छा गया, चेहरे के रिएक्शन। अनिकेत कैसा गया पेपर? बहुत अच्छा। सही में? हाँ सही में। प्रणव कितने मार्क्स मिलेंगे अनिकेत? अनिकेत कितने मार्क्स मिलेंगे? 30 आउट ऑफ। बाप रे। आदित्य अपना? अपन सदमे में दिख रहा है, फुल सदमे में दिख रहा है। ऋषिकेश कैसे गया? कैसे गया? नहीं पढ़ लेते, आउट ऑफ मना है। जो होगा सो देखा जाएगा। आजकल चिकने चिकने दिख रहे हो, क्या राज है स्किन का? तो चलो दोस्तों फाइनली अभी आज तो घर के लिए निकल जाते हैं क्योंकि कल फिर से पेपर है, तो पढ़ाई करना पड़ेगा। देखो अभिषेक आ रहा है, उसको पूछते हैं कैसा गया पेपर। अब अवगड़ होता नहीं, पेपर कैसा गया सांग। जाते जाते देखो हमें यहाँ पे साहिल भाई मिल चुके हैं दोस्तों, मतलब साहिल तो मिला ही है, साथ ही साथ यहाँ पे पीछे करण है, प्रथमेश, प्रतीक, मतलब पूरी सिविल वाली गैंग मिल चुकी है, और साहिल एंटी सी का है दोस्तों। तो हाँ चलो अभी बस सब दोस्तों से मिलना वगैरह हो चुका है, अभी फटाफट रूम पे जाना है और पढ़ाई करनी है यार नेक्स्ट पेपर की। अभी एक बार पेपर खत्म हो गया ना फिर टेंशन फ्री हो जाएगी, नवरात्रि चल रहे हैं और उसमें भी दोस्तों गरबा खेलने नहीं जा रहे, मतलब बाकी ईयर्स के जा रहे हैं लेकिन हमारे पेपर्स है यार, तो इसीलिए नहीं जा सकते। तो चलो कुछ नहीं, अभी दिल पे पत्थर रख के चलते हैं पढ़ाई करने घर पे। दोस्तों देखो अभी शाम हो चुकी है और दोपहर में पेपर था, तो पेपर वगैरह डन, और यहाँ पे देखो ऋषिकेश भी बैठा है दोस्तों, इसकी भी पढ़ाई हो चुकी है, कल हमारा दोस्तों लास्ट पेपर है और अभी उसके बाद खत्म दोस्तों इनसेम, उसके बाद मजे करेंगे यार। कैसे नवरात्रे चल रहे हैं सब लोग, ये जो सामने बैठा है दोस्तों ये इंसान 4 बार गरबा खेल के आ चुका है, लेकिन हमारी एग्जाम थी इसी के कारण दोस्तों हमें नहीं जाने मिल रहा है, और ऋषिकेश की तो इच्छा बहुत है, क्या बोलते ऋषिकेश? स्पीचलेस है फिलहाल क्योंकि कल के पेपर का टेंशन है। तो चलो दोस्तों अभी फटाफट देखते हैं कैसा क्या होता है। व्लॉग तो मतलब कॉलेज में ही शूट कर पा रहा हूँ, हॉस्टल पे ज्यादा व्लॉग शूट नहीं कर रहा हूँ दोस्तों क्योंकि पढ़ाई करनी है यार। तो हाँ कैसे लग रहा है हमारे व्लॉग्स कमेंट में जरूर बताना, आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा दोस्तों। अभी व्लॉग ज्यादा दोस्तों लॉन्ग लास्टिंग नहीं बना सकता हूँ आपके लिए क्योंकि दोस्तों समझ सकते हो आप, एक बार एग्जाम हो जाएंगी उसके बाद देखो दोस्तों व्लॉग्स की कंसिस्टेंसी और लेंथ सब क्वालिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो हाँ चलो कैसे लग रहा है हमारे व्लॉग्स कमेंट में जरूर बताना, आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए यार, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ ऐसे ही एक नया व्लॉग लेके कल आपके साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, गुड बाय।